गोपीनाथ तिवारी जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। परम आदरणीय गुरु जी, सादर चरण स्पर्श। गुरु जी, मानव ईश्वर अंश के बाद भक्ति के विपरीत माया से अधिक सम्मोहित क्यों होता है? खेल है प्रभु का। खेल है। एक रंगनाथ जी हमारे यहाँ मंदिर वृंदावन में, उसमें साल में एक बार उत्सव होता है विशेष। उस उत्सव में हम सम्मिलित हुए थे जाके। एक खंभा खड़ा हो गया, बहुत लंबा खंभा, उसके ऊपर अर्थ धन और कुछ ऐसे जैसे कीमती पदार्थ, स्वर्ण है, मणि है, मीठा, ऐसी चीजें बांधी जाती है। इसके बाद आपको शरीर से चढ़ के और वो लेना है। तो हमारी बात समझना, खेल होता है। तो ब्रज के बड़े बड़े पहलवान केवल लंगोट पहन करके, मान लो 100 ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे क्रम बाय क्रम चढ़ते हैं, और जिसने वो इनाम बांधा है उसी ने खेल रचा है, और वही चढ़ने की योग्यता की बात करता है वहां पर, और वही चढ़ ना पावे इसलिए घी दही पानी ये भर करके सीढ़ी से जितने शरीरधारी चढ़ते हैं उनके ऊपर डालते जा रहे हैं, अब चढ़ के दिखाओ, और जो चढ़ पाता है तो वो संपत्ति और वो इनाम प्राप्त करता है। ऐसे ही भगवत प्राप्ति ऊंचाई पर बांध दी गई, खेल है, मालिक का खेल है। इसके बाद ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये फिसलन डाली गई, अब चढ़ो, वही डाल रहा है फिसलन जिसने इनाम बांधा है, परम पद का अधिकार, परमानंद की अनुभव, चाहे सारिष्ट सामिप्य सायुज जो भी चाहो पद वो प्राप्त हो जाएगा, पर फिसलन डाली जाएगी। अब तुम्हें फिसलना नहीं है, तो कई बार देखा कि पहुंचते पहुंचते फिसल गए, पर वो लोग हारे नहीं, 4-5 बार में फिर वो पहुंच गए, पकड़ लिया। तो उससे हमें उदाहरण में अपने लोगों का जो दिमाग होता है ना, वो चिंतनी होता है, हर घटना में हर बात में अपने काम की बात निकाल लेना। तो उस भागवतिक मेले में उस दृश्य में ये बात पकड़ में आई, ठीक ऐसे ही मालिक खेल खेल रहा है, हमारे सामने वो भोग रखता है फिसलन वाले, जिससे हम परमानंद स्वरूप अपने आत्मबोध या भगवत प्रेम पाने के लिए ही उसने वो भी रखा है, मानव देह भी दिया है, उसी का रचा हुआ है, पर फिसलन उसने जरूर रखी। एक बार फिसलो, 2 बार फिसलो, 3 बार फिसलो, पर हारना नहीं, चढ़ जाओ चढ़ जाओ। तो कभी काम फिसला देता है, कभी क्रोध फिसला देता है, कभी मोह, कभी अहंकार, कभी ईर्ष्या मत्सरता, नाना प्रकार की फिसलन वाला हमारे सामने खेल रचा जाता है। अब वो आकर्षण फिसलन वाला है ही, रचा इसीलिए गया है कि तुम इसी में लगे रहो। अच्छा, लगे रहो तो मालिक का खेल है, आनंदित रहो, जब इससे उब जाना तो वो है चढ़ो, फिर ये चढ़ाई है, ये ऐसी चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, बिना सहारे के नहीं चढ़ सकते हो इसमें, गुरुजनों का निकले हुए महापुरुषों का सहारा। गुरु जी, सम्मोही बहु करती माया, भक्ति का नहीं करता। वैसे सम्मोहन माया नहीं करती, आप मोहित हो रहे हो। हमें बताओ माया का रूप क्या है? हम सहन, वातावरण, खाना पीना, प्यार दुलार, समाज, पुत्र, ये आप स्वीकार किए हो प्रभु, आपको कोई आकर्षित कर रहा है क्या? आप ही तो फंसे हो। एक आवश्यकता है ना आवश्यकता बिल्कुल नहीं भैया, तुम्हें अज्ञान में हो, हमारे स्वरूप को कभी भी किसी भी तरह का अभाव नहीं व्यापता, अभाव देह को लेकर के होता है। गुरु जी, एक बार हुआ विंध्याचल में यज्ञ, वहाँ पटके कर भूखे भजन हो, जो बाला ले ले अपन डंकी वाला। ये भूख किसका विषय? प्राणों का विषय। पहले देखो, जहाँ बात कर रहे हो यहाँ शुद्ध आध्यात्मिक मार्ग की बात होती है, भूख का विषय कौन? भूख प्यास का विषय अगर थोड़ा शास्त्रीय ज्ञान हो तो समझ सकते हो, प्राणों का विषय है। आप प्राण नहीं हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ के देखो, आप प्राण नहीं हैं। तो अब आप अपने को और कुछ मान लेंगे तो ये ले कंठी माला, किसकी कंठी माला, किसकी? ज्ञान में आओ तो, और भक्ति, आप अपने स्वरूप को नहीं जानते हो। कितने हाथ का शरीर है अगर अपने हाथ से नापो? 3.5 हाथ का। कितने साल हो गए आपको इस शरीर में रहते? 58 साल में 58 सेकंड भी कभी नहीं सोचा अपने स्वरूप को कि तुम हो कौन। अगर तुमसे पूछा जाए आप कौन हो तो अपने गांव का नाम बताओगे, शरीर जहां जन्मा है वो बताओगे, शरीर का जो नाम है। आप इतने ज्ञानी हो कि 3.5 हाथ में रहते हुए 58 वर्ष हो गए तो आप अपने को अभी तक नहीं जान पाए,
अब बोलो कैसे तुम जान पाओगे कि माया क्या है? सत्य देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, यहां मतलब बिल्कुल लक्ष्य पे बात होती है। अब लक्ष्य नहीं समझते हो तो फिर हम चुप हो जाएंगे, हमारे पास व्यवहार वाली ज्यादा बातें हैं नहीं, क्योंकि बचपन से भगवान ने व्यवहार में रखा ही नहीं। अपने को आप नहीं जानते हो भाई, शरीर को मान लिया। अब शरीर में अभाव ही अभाव है, स्वरूप में कभी अभाव नहीं है, प्रभु में कभी अभाव नहीं है, देह में अभाव। हम जिसको प्रिय मानते हैं, जिसको सुख मानते हैं, हम स्वयं उसको पकड़ लेते हैं और लगता है मैं इसके बिना जी नहीं सकता। ये हमारी गलती है, कोई माया नहीं है। जो हमें प्रिय लगता है वो हमें नहीं लगता है, इंद्रियों को लगता है। बहुत बढ़िया सुगंध आई, किसने बताया? घ्राणेन्द्री ने। ये किसका विषय है? घ्राणेन्द्री का। बहुत बढ़िया खीर पुआ बने, किसका विषय है? रसेन्द्री का। बहुत बढ़िया गायन, किसका विषय है? श्रवणेन्द्री का। बड़ा सुकोमल स्पर्श है, किसका विषय है? त्वगेन्द्री का। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती, भाई बांधा किसने? तुम खुद बंद रहे हो। बंधेव कीर मरकट किने, गोस्वामी जी कह रहे ना, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूट अति कठिनाई। जो कह रहे हैं कि ये लो अपनी कंठी माला, भूखे भजन हो गोपाला, ये बिल्कुल मजाक है। जैसे विनोद में नहीं कहा जाता, ये बिल्कुल विनोद है। ये कोई सिद्धांत नहीं, कोई सत्य मार्ग नहीं, और ये केवल प्रवचन नहीं है। ये देखो बैठे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काशी में भी सेवा में रहे और वृंदावन में भी आ गए हैं। इनसे पूछो, ये जानते हैं उसे, कभी किसी से मांगना नहीं, किसी के आश्रम नहीं जाना, भिक्षा वृत्ति नहीं करनी, आकाश वृत्ति। जो ईश्वर घाट पे दे देगा वही पालेंगे, अन्यथा नहीं। तो जब तक ये नहीं आए थे तब तक भरपेट भोजन नहीं मिला था घाट में, क्योंकि केवल शाम के निकल के आते थे और ऐसे जहां भिक्षुक जन बैठते हैं, बैठ गए तो कोई इतना सतुआ डाल दिया, कोई एक पीस बर्फी डाल दी, और किसी किसी दिन नहीं भी मिला गंगा जल पान। वहां थोड़ी है कि लियो अपनी कंठी माला, 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बन के निकले, तो ऐसा थोड़ी कि साथ में हमारे रसोईया चलता रहा है। कंठी माला कभी एक बार भी नहीं आया कि घर लौट चले, कभी एक बार भी नहीं आया। ये कैसे कह रहे हो कि लो अपनी कंठी? अरे गर्दन उतार दी जाए तो भी नहीं होगा ये लो अपनी का। ये उनकी बात है जो विषयों का बैलेंस बना के चलते हैं, परमार्थ को नहीं जानते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम प्रभु के मार्ग में चले, लो अपनी कंठी माला, मतलब सुसुख वांछा, देह भाव, इंद्री पोषण, ये एक मजाक में कहा जाता है। एक मजाक में जैसे कुछ शब्द बोले, ये सिद्धांत नहीं कहा जाता है। अपने को देह मानकर, मनुष्य मानकर भोगों में फंसा हुआ व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है क्या? परमार्थिक व्यक्ति व्यक्ति है क्या? वो तो विषय है, देहाभिमानी है। कैसे समझोगे अध्यात्म? अध्यात्म एक अलग क्षेत्र है, व्यवहार का जो आकर्षण है अलग से, हमारा माना हुआ आकर्षण। जैसे देखो, एक आदमी मांस खाता है, बहुत आनंदित होकर जाता है कि ये वाला दीजिए, और जैसे जो वैष्णव है भगवत मार्ग के प्रतीक, जिन्होंने कभी, वो उस गली में जाते हुए घृणा करेंगे, लेकिन वो आदमी बड़े शौक से वहां जाएगा और नगद नगद पैसा देके कटवा के ताजा लाएगा, समझ रहे हो? एक आदमी वहां से जाता है तो घृणास्पद भाव लेके, कैसे इस गली से निकल जाऊं, और एक आदमी जाता है आनंदित होकर के उसमें। एक आदमी है जो अपने संयम और पवित्रता से वो उस मार्ग से नहीं जाना जाएगा जहां मदिरा पी जा रही, जहां ऐसा, और एक आदमी है कि छीन झपट के पैसे लेके वहां पीता है जाकर। ये रुचियों की वैचित्रता है, कौन बांध रहा है तुम्हें? तुम ही तो बंधे हुए हो। ऐसे ही समस्त भोगों में कौन सा भोग ऐसा श्रेष्ठ है जो पवित्र और महान हो, हमें बताओ? सबसे ज्यादा चरम सीमा का भोग संसार में काम सुख रखा गया है, सब सुख एक तरफ और काम सुख एक तरफ। कहां से प्राप्त होता है काम सुख? मलमूत्र के भांड, शरीर के मलमूत्र के द्वारों से। कौन सी मानता है जहां स्पर्श करके, रज लगा के धो, साबुन लगा के धो, उन अंगों की आखिरी सुख वृत्ति रखी गई है? कहां? आप विचार करके बताओ, सब मनुष्य शरीर में ही बैठे हो, ये तो अपने घर का जैसे सत्संग होता वैसे बात हो रही। चरम सुख संसार का एक बात में है, चरम सुख काम, परस्पर भोगाकर्षण। इसके नीचे सब है, माता पिता छोड़ देगा,
जमीन जायदाद छोड़ देगा, ज्यादा पड़ेगी तो फांसी लगा लेगा, लेकिन काम सुख नहीं छोड़ सकता। आखिर देख लो, आंखों उठा के देख लो, पूरे परिवार का कत्ल करके भाग जाएगा, भाग जाएगी, जो भी जो आप शब्द देख लो, किसके लिए? बोले हमारा फ्रेंड है। किस बात के लिए? ना उसके तत्व को जानते हो, ना उसके तत्व को जानते हो, बिल्कुल केवल शरीर आ सकती, और वो शरीर आ सकती, अगर उससे सुंदर भोग मिल गया तो उसको त्याग देगी। भर्तरी जी का चरित्र पढ़ के देख लो, क्या है ये, है क्या? बोले बड़ा आकर्षण। कहाँ आकर्षण है? मलमूत्र के द्वारों में फिर आपको चुभेगा। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमी जन बड़। जैसे उल्टी की जाए, कौन देखना चाहेगा उसे, कौन देखना चाहेगा? ये कौन सा भोग है ऐसा? बर्फी पेड़ा सीसा में रखे अच्छे लगते हैं, दो मिनट के बाद खाओ और लील जाओ और उल्टी कर दो, फिर देख ले कोई, वही पदार्थ है वही, और छह घंटा रुक गया तो इतना बदबूदार नीचे से निकलेगा कोई देखना नहीं चाहेगा। क्या है यहाँ सुख? कौन सा सुख है? शरीर जब छूट, अंदर से परमात्म तत्व अंतर्ध्यान हो जाता है, इस शरीर को रख के देखो, भय लगेगा तुम्हें उस कमरे में जाने में जहां शरीर रखा होगा, शरीर देखने लायक नहीं रहता। क्या है सुख हमें बताओ, कौन सा सुख है? ब्रह्म। अगर इसे भोग लूं तो मैं सुखी हो जाऊं, लाखों बार करोड़ों बार भोग के देख लिया है कुछ, क्या हाथ लगा? फिर वही वासना, फिर वही तृष्णा, कह रहे हो मुझे माया फांसे। अरे तुम खुद अज्ञानवश आसक्त हो रहे हो, कहां सुख है, कहां है, किसमें है बताओ? अगर है तो तुम्हें तृप्त हो जाना चाहिए। मेरी मांग है कि मुझे ये मिल जाए, मिल गया अब तो शांत हो जाना चाहिए ना, कि भाई अब कृतकृत्य भयो मैं। जैसे केवट जी जो भगवान के चरणारविंद का प्रक्षालन करके चरणामृत पान कर रहे ना, तब प्रभु से कह रहा अब कछुलात, अब नहीं चाहिए, जो खोज रहा था आनंद, बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत श्रम किया, फल तो आज मिला है रघुनाथ जी आपके चरणों का, चरणामृत पान करके, चरण पखार के। विश्राम कहाँ है? भगवान के चरणों। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट अपने राज्य सुखों का त्याग करके और भगवान के भजन में जाकर विश्राम प्राप्त किया है। हम खुद फंस गए हैं, कोई हमें नहीं फांसे, हम खुद फंस गए हैं, सुख मानकर खुद फंस रहे हैं। आप अच्छे से विवेक से बताओ, कौन सा ऐसा सुख है जो स्थाई है, जो हमको सदा प्रसन्न रख सकता है, जो हमें क्लेश रहित कर सकता है, एक भी सुख बताओ। बोले अगर रुपया हो जाए तो फिर मस्त हो जाएंगे, जिनके अरबों खरबों रुपया है ना, टेबलेट से नींद आती है, शांति नहीं है, और चाहिए, क्योंकि अब इतनी पोजीशन बढ़ गई है, अगर इससे नीचे उतरे तो संसार क्या कहेगा, खुद फंस गया, कोई किसी को कुछ नहीं कहता, वो अपने आप में फंसा हुआ है। अब उसको चाहिए कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा धनी है उसकी टक्कर हो, इंडिया में ऐसा, भारत में एक ऐसा धनी है जो विश्व लेवल का, विश्व लेवल का जब बन जाएगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा उसका। अब ये स्थिति नीचे न गिरने पावे, कोई हमें परास्त न कर पाए, कहां शांति, सब जगह अशांति भय। गोस्वामी जी का अनुभव, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। हम खुद फंसे भैया, हमें कोई नहीं फंसाए, कोई अगर हमें फंसा सकता है तो हमें, हम खुद फंसे, हम ही फंसाने वाले, हम ही मुक्त होने वाले हैं। बंदेव कीर, वो पकड़े कि अगर छोड़ दिया तो मर जाऊंगा, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, बहली आता है फांस के ले जाता है, बंदर ऐसे सुराई में ऐसे डालता, छुआरे चने आदि ऐसे कस के पकड़ता है लोभी। अब उसने सोचा मुझे किसी ने पकड़ लिया, अगर वो छोड़ दे पदार्थ तो मुक्त है, लेकिन वो सोचता अब तो मैं, अब वो पदार्थ छोड़ता ले, उसको लगता मुझे कोई आया एक डंडा मारा बांध के ले गया। ऐसे ही काल भगवान ये पदार्थ फेंक दिए हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हम इनको भोगने में लगे हैं और लगता है कि अब मैं इनके बिना जी नहीं सकता और मैं बहुत फंस गया और कोई है माया जो मुझे फांसे हुए, जैसे वो बंदर सोचता है कोई बंधन जो मुझे पकड़ लिया है, कोई पकड़े नहीं। एक दिन एक महात्मा किसी राजा से मिले तो राजा ने कहा महाराज सदउपदेश कीजिए, तो उनका भाई सदउपदेश का तो स्वरूप यही कि राज्य का अभिमान छोड़िए, सेवक